टू माई YouTube चैनल, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज शादी के बाद पहली दफ़ा मेरा पूरा दिन गुजरने वाला है मेरे मियाँ जी के बगैर, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी के साथ साथ है सब। इसके साथ साथ आज मेरे कुछ टेस्ट थे जो करवाने बहुत ज़रूरी थे, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो वो टेस्ट करवाने हैं मैंने मियाँ जी के बगैर, क्योंकि नॉर्मली मैं उनके बगैर नहीं जाती कहीं भी, डॉक्टर के पास तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है इंजेक्शन से। तो जब उन्होंने मेरा ब्लड लेना, मुझे बहुत डर लगना है, लेकिन कोई नहीं, आ जाएगा, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये सब भी अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर आए। तो अभी हम लोग तैयार होंगे, कपड़े चेंज करूँगी और साथ में अपनी सास को तैयार करूँगी, उनको साथ लेकर जाऊँगी, क्योंकि मेरा प्लान है कि डॉक्टर के बाद मैं जाऊँ डिनर डेट पर, या सिर्फ डेट पर, जूस की डेट पर या खाने की डेट पर, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ। तो क्योंकि अभी हम सो कर उठे हैं, डेट पर जाऊंगी अपने सास के साथ, मेरी पहली डेट होगी अपनी सास के साथ, तो और पहला दिन होगा अपने मियाँ के बगैर, तो देखते हैं क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, मैं हो गई हूँ तैयार और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने मियाँ जी की शर्ट पहनी है, और मियाँ जी की शर्ट पहन के अलग सी सेटिस्फेक्शन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी खुशी किस बात की हो रही है, क्योंकि मियाँ जी की शर्ट मेरे पे बहुत अच्छी लग रही है। तो अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास के बाद हम लोग जाएंगे डेट पे, और हम कुछ खाएंगे पियेंगे और इन लोगों का फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, इनको टेंशन देंगे आज के हम दोनों भाग गई हैं, आज उनके साथ प्रैंक करेंगे, प्रैंक करेंगे, हम भाग गई हैं, हम फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन बाद में बहुत गालियाँ पड़ेंगी लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, कभी कभी गालियाँ सुन लेनी चाहिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं, पहले हम आज ही टेस्ट करवाएंगे और अक्षा को हम साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि अक्षा के बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं, ना मेरी ना माजी की, ऐसे ही है ना माजी, अक्षा के बगैर तो ज़िंदगी नहीं, क्योंकि अक्षा है तो कोई काम हो रहा है, वरना कोई काम नहीं हो सकता हमारा। तैयार है माजी, फिर आज आपका दिन मेरे साथ गुजरने वाला, खुश है मेरे साथ? बहुत ज़्यादा। मैं तो कह रही हूँ आपको जो आज मज़ा आना है, पूरी ज़िंदगी में नहीं आया होना। अच्छा, सही बात है, क्या करने, ये तीन लड़कों में आपने सारी जिंदगी गुजार दिया, आज मेरे साथ गुजारे। ना फोन ही नहीं उठाना, आपने फोन तो नहीं लिया? नहीं, बस ठीक है, मैं फोन ऑफ कर दूंगी। चलो चलते हैं, चलो बेटा। सबसे मजे की बात तो ये है, मियाँ जी की शर्ट पहनने के बाद मैंने निकाली अपने ससुर की गाड़ी, और उनको नहीं पता। हम जाएंगे पापा जी की गाड़ी में, या फिर जब वो घर, क्योंकि वो दोनों घर नहीं है, जब वो घर आएंगे वो आकर देखेंगे गाड़ी भी नहीं है, बेगमात भी नहीं है, तो फिर थोड़ा छोटा छोटा मोटा उनको दिमागी अटैक आना दोनों को कि हैं ये लोग किधर गई हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं, अब अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह अल्लाह के सपूत। टेस्ट करवाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं खाना खाने। वैसे मुझे कोई भूख नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कभी कभी क्रेविंग्स, लेकिन इतनी ज़्यादा खाने की नहीं होती, छोटी मोटी चीज़ें जैसे कोई लेज वगैरह इस तरह की चीज़ों की मुझे क्रेविंग्स होती हैं। लेकिन खैर, अब हम लोग खाना खाने आ गए, माँ जी का फेवरेट खाना खाएँगे हम आज। हम लोग खाना खाने आ गए हैं, और खाना खाने आए हैं तो माँ जी को समझ नहीं आ रहा कि क्या खाना है, क्योंकि कह रही इतना कोई खास सालन खाने का भी दिल नहीं कर रहा। तो अब उन्होंने मंगवाए हैं सैंडविच, मैं पीऊँगी सूप, और सूप पीने के बाद मैं मिंट मार्गरेटा पीऊँगी, क्योंकि सूप पीने के बाद गर्मी लगेगी, फिर मैं मिंट मार्गरेटा पी लूँगी। और मियाँ जी की शर्ट में इतनी गर्मी लग रही है जिसका कोई हिसाब नहीं, पता नहीं किस तरह पहनते हैं, नहीं तो पहनते ही नहीं ना, ला के बस लटका देते हैं, पहनते हैं नहीं, लेकिन बहुत गर्मी लग रही है मुझे इसमें। मैं आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फैमिलीज बैठी हैं, डिस्टर्ब होती हैं, मैनर्स नहीं है, मुझे वीडियो बना रही हूँ। तो अब हम खाने का वेट कर रहे हैं, माँ जी भी खाने का वेट कर रही हैं, और अक्षा फुल हंस रही है मैं देख, अक्षा कह रही कार्टून है का। अब हम खाने का वेट कर रहे हैं, खाना आएगा और हम खाना खाएँगे, और उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। माँ जी के सैंडविच आ गए हैं, माँ जी को पसंद आए? माँ जी मज़े के हैं? मज़े, आपको पसीना कितना आ रहा है, गर्मी लग रही है आपको? आपको भी गर्मी लग रही है? पता नहीं, इन्होंने शायद हीटर चलाए हुए, तुम खुश हो? ठीक है, अब हमारा आ गया सूप, हम पियेंगे सूप, उसको भी मैं अपने साथ अपनी मर्ज़ी का सूप ही पिला रही हूँ, और माँ जी जो है ये खाएंगे सैंडविच, माँ जी इन्जॉय करें, इसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे। ये खाना खाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने, और देखते हैं शॉपिंग अब हम करेंगे छोटे काके की, हमारी जिसने आना है इंशाल्लाह, उसकी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि अपनी शॉपिंग का टाइम गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब से मुझे पता लगा है कि मैं मामा बनने वाली हूँ, तब से मेरी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई, पहले भी इतनी कोई खास ज़्यादा नहीं थी मेरी अपने लिए,
सिर्फ मम्मा के लिए होती थी, तो अल्लाह पाक बस खैर का मसला है। सो गाइज़ यहाँ पर हम आए थे बेबी के लिए कपड़े देखने, लेकिन यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े है ही नहीं, तो हमने सोचा हाँ जी, लेकिन हमने फिर सोचा है, मुझे तो ऐसे पसंद बहुत आ रहे हैं, कितना क्यूट है ये, क्यूट है, बहुत सारे क्यूट कपड़े हैं, लेकिन अब न्यू बॉर्न बेबी के नहीं हैं, तो अभी तो हम ले नहीं सकते क्योंकि अभी तो छोटा है ना, अभी तो आया भी नहीं है। हम अपने छोटे काके के लिए कपड़े लेने आए हैं। माँ सदके कितना प्यारा कितना प्यारा है, लेकिन अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है साइज़ वगैरह का। ये देख के ना मेरे सम्मी का बचपन याद आ गया, मैंने सम्मी को बड़े पहनाए कितना छोटा प्यारा सा, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ देखकर माशाल्लाह ज़रूर कहें, क्योंकि नज़र अच्छी बुरी दोनों होती हैं, दोनों लग जाती हैं, तो अल्लाह पाक बस नसीबों वाला बच्चा हो, बेटा हो बेटी हो, नसीबों वाला सेहत तंदुरुस्ती वाला पैदा हो, आमीन। फला मुझे इतना कुछ पसंद आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या क्या लूँ, मैं क्या क्या ना लूँ, माजी मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आ रही हैं, आप अपनी सारी दुकान दे दें हमें बहुत चीज़ें पसंद आ रही हैं मुझे, माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले चुके हैं हम, बस अब मियाँ जी का कार्ड होना चाहिए था पास लेकिन सारी रसीद आपने मुझे बना के देनी है भाई, ताकि मैं मियाँ से पैसे ले सकूँ। आज हम लोग दोबारा आ गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि रिपोर्ट्स आनी थी और मेरी अपॉइंटमेंट थी 7:30 बजे की, और 8:11 हो रहे हैं, हम लेट हो गए हैं, लेकिन पहला नंबर हमारा था क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट पहले ले ली थी, लेकिन अब पता नहीं कौन सा नंबर आएगा, वेट करना पड़ेगा क्योंकि गलती हमारी है, हम लेट आए, तो अब रिपोर्ट्स भी आ गए हैं, अब अल्लाह खैर करे। तो भाई डॉक्टर को चेक कराने के बाद ये तो ट्रिप तक बात आ गई है क्योंकि रिपोर्ट्स उन्होंने देखी हैं, उन्होंने कहा है कि ब्लड की कमी है आप में, तो अब ये लगेगी मुझे, लगवा ली है मैंने बड़ी मुश्किल से, माँ जी मेरे साथ थक गई हैं, सद के जाओ, बस दुआ करें अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन, और हमारा आने वाला काका भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन, बस बहुत सारी दुआओं में याद रखें और इसकी इबादत हो गई, जितना मैं भागी थी इंजेक्शन से उतने मुझे आज लगे हैं। तो गाइज रात के बज गए हैं 2 और एक मेरी अम्मी थे, एक मेरा प्यो, रात के बज गए 2, मेरी बेगम गई है सो, झूठ नहीं बोलता मैं। अच्छा खैर सीन ये है कि 2 बज गए रात के, अभी भी घर आए थोड़ी देर पहले, आके खाना वाना खाया, काका मेरे का जो बरनोला है वो भी लगा हुआ है, ठीक है, ये देखें दूर से नज़र आ रहा होगा आपको, और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ बिकॉज मैं आज बहुत ज़्यादा मेरा बिजी डे था, और ऊपर से जब इसने मुझे बताया, पहले हम उसको कॉल करते हैं, हमारी कॉल ही नहीं उठा रही थी, और इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा ना अम्मा कॉल उठा रही ना ये उठा रही, और दरअसल प्रैंक इनका एक अलग, लेकिन परेशान हम अलग हो रहे थे ज़्यादा, बट इंशाल्लाह आइंदा होपफुली नहीं करेंगी। खैर ये था आज का ब्लॉग, और शहर को ज़रूर दुआओं में अपनी याद रखें, बिकॉज इस वक्त आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अल्लाह ताला बस सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, और मेरे लिए मैं प्रिंस खाऊंगा क्योंकि खाना मैंने खा लिया है, कुछ मीठा खाने का दिल हो रहा है, और ये लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, टेक केयर बेटे, आप आराम करें, खैर या अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, 5,00,000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी से कर दें, सम्मी के साथ प्रैंक करूंगी दूसरा, अल्लाह हाफिज़।